नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो जुड़ी हुई है सभी कॉलेज विद्यार्थियों के लिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि किन किन विद्यार्थियों को बिना परीक्षा है वो अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा और किस प्रकार से प्रमोट किया जाएगा। दोस्तों, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही वह सटीक न्यूज। ये दोस्तों आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ HRD का है, वो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको है डिस्क्रिप्शन में इस ट्विटर अकाउंट की है वो लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप दोस्तों जो इस खबर है उसकी प्रूफ को चेक कर सके और सत्यता जान सके। ये देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ HRD अटेंशन स्टूडेंट्स, इन केस द सिचुएशन डज नॉट अपीयर टू बी नॉर्मल इन व्यू ऑफ COVID-19 टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स, ग्रेडिंग कुड बी कंपोजिट ऑफ 50% मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ इंटरवल इवेल्युएशन अडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटीज एंड द रिमेनिंग 50% मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस सेमेस्टर इज अवेलेबल। यानी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट है उन्होंने जो बात कही है वो ये कही है कि यदि सिचुएशन है वो मई अंत तक भी सामान्य नहीं होती है तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट को छोड़कर के सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। उनमें से जो 50% मार्क्स होंगे दोस्तों, वो जो विश्वविद्यालय है वो अपना आंतरिक मूल्यांकन है उसके आधार पर आपको देगा, और जो आपके 50% मार्क्स है वो आपके पिछले सेमेस्टर या पिछली कक्षा के दोस्तों जो आपने प्रतिशत प्राप्त किए आपको उस आधार पर दिए जाएंगे। और फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी जिनके लिए पिछले साल के मार्क्स है वो उपलब्ध नहीं है, उनको 100% इंटरनल एवेल्यूएशन के आधार पर वो मार्क्स है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। दोस्तों, ये जो बात हो रही है वो हो रही है जो या तो वर्तमान में दोस्तों रेड या फिर ऑरेंज जोन में है डिस्ट्रिक्ट उनके लिए, या फिर दोस्तों मिड जून तक हम कह सकते हैं कि वो रेड या ऑरेंज जोन में आ जाते हैं, उन सभी के लिए दोस्तों ये न्यूज इंपोर्टेंट है, क्योंकि उनको बिना परीक्षा ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। और एक बात और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कोशिश यही है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट UGC और विश्वविद्यालयों की कि फाइनल ईयर की परीक्षाएँ हैं वो करवाई जाए और बाकी सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक मेरी पर्सनल थिंकिंग है वो यह है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी बिना परीक्षा प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कारण यह है कि यदि कोरोना संक्रमण का खतरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या अन्य किसी कक्षा के स्टूडेंट्स को है तो उतना ही खतरा दोस्तों मैं आपको बता दूं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी बना हुआ है। यदि कोई सिचुएशन है वो सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए खराब है तो वही सिचुएशन दोस्तों फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। फाइनल ईयर के लिए स्टूडेंट्स के लिए कोई सिचुएशन अलग नहीं है। यदि किसी भी फाइनल ईयर के एक स्टूडेंट्स तक दोस्तों यदि संक्रमण पहुंच है तो विश्वविद्यालय के बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स के साथ क्या होगा, यह भी एक सोचने वाली बात है। आगे भी दोस्तों कॉलेज या विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट हमारे पास आती है तो हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करके आपको जानकारी दे देंगे। फिलहाल यह अपडेट दोस्तों जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट के मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने जो कल वेबिनार किया था उनसे निकलकर आई थी। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कॉलेज विश्वविद्यालय की हर खबर आपको सबसे पहले मिलेगी सही और सटीक तरीके से।